नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। आज भारत बंद। केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठन 26 मार्च को भारत बंद करेंगे। बता दें, इस दौरान दुकानों, बाजारों और सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखा जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक किसान आंदोलन के 120 दिन पूरे होने पर भारत बंद किया जा रहा है। बता दें, किसान संगठनों का भारत बंद 26 मार्च 2021 की सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। कांग्रेस, लेफ्ट समेत कई विपक्षी दलों ने बंद का समर्थन किया है। वहीं किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि 28 मार्च को वे होलिका दहन पर नए कानूनों की प्रतियां जलाएंगे। मौसम विभाग के द्वारा जारी अगले 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि अगले 5 दिनों तक मुख्य रूप से रांची का मौसम साफ रहेगा। इसके साथ ही अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाने की संभावना है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। बता दें, राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान जमशेदपुर और मेदिनीनगर में 38.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान रांची का 20.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बिना परीक्षा 7वीं कक्षा तक के 35 लाख बच्चे होंगे प्रोन्नत। सरकारी स्कूलों के बच्चे इस वर्ष भी बिना परीक्षा के अगली कक्षाओं में प्रोन्नत होंगे। बता दें, सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 7 तक की वार्षिक परीक्षा न तो ऑफलाइन आयोजित की जाएगी और न ही ऑनलाइन। हालांकि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षकों के माध्यम से बच्चों को घर में ही प्रश्न पत्र भेजकर उनका सामान्य मूल्यांकन कराने पर विचार कर रहा है। बता दें, इस साल 8वीं बोर्ड की परीक्षा भी नहीं होने की संभावना है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राहुल शर्मा ने स्वीकार किया है कि स्कूल के बंद रहने की स्थिति में ऑफलाइन परीक्षा संभव नहीं है। वहीं बड़ी संख्या में बच्चों के पास डिजिटल सुविधा उपलब्ध नहीं होने से ऑनलाइन परीक्षा लेना भी मुश्किल है। भारत बंद आज रांची में सुबह 5 से रात 10 बजे तक धारा 144 लागू। आज भारत बंद है। बता दें, किसान संगठनों की ओर से बुलाए गए बंद में ट्रेड यूनियन समेत कई संगठन भागीदार हैं। भारत बंद के चलते झारखंड में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। बता दें, कोल सेक्टर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। एहतियात के तौर पर चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है। रांची में आज सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक निषेधाज्ञा लागू है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से शुक्रवार को घोषित देशव्यापी बंद को लेकर रांची जिला प्रशासन की ओर नए सिरे से गाइडलाइन जारी की गई है। कोविड-19 से संक्रमण को देखते हुए किसी भी प्रकार की रैली अथवा जुलूस को प्रतिबंध किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर होली मिलन पर रोक, दुमका डीसी। दुमका समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजेश्वरी बी एवं पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा की संयुक्त अध्यक्षता में गुरुवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई। बता दें, बैठक में उपायुक्त ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिलहाल होली मिलन समारोह के आयोजन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस सप्ताह कोरोना संक्रमण के 23 मामले सामने आए हैं, 1 मरीज की मृत्यु हुई है। ऐसे में कोविड-19 के गाइडलाइनों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। मास्क, शारीरिक दूरी और सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य है। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने डायन बिसाही मामले में लिया संज्ञान। झारखंड के गुमला जिले के गुमला थाना से 12 किलोमीटर दूर बार लोरा गाँव के 3 वृद्धों को डायन बिसाही का आरोप लगाकर 3 साल पहले गाँव से निकाल दिया गया था। बता दें, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने गुमला डीसी को निर्देश दिया है कि इस मामले को संज्ञान में ले उन वृद्धों को तत्काल सहायता पहुंचाते हुए उन्हें सूचित करें। इसके साथ ही अंधविश्वास के खिलाफ क्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। झारखंड में होमगार्ड जवान हड़ताल पर। राजधानी रांची सहित झारखंड के कई जिलों के होमगार्ड गुरुवार से हड़ताल पर चले गए हैं। बता दें, इससे विभिन्न सेवाओं पर इसका असर पड़ रहा है। हजारों की संख्या में होमगार्ड जवान झारखंड विधानसभा के पीछे धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं। अपने मांगों के समर्थन में होमगार्ड जवान धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के द्वारा अब तक किसी भी प्रकार की पहल नहीं करने के कारण होमगार्ड जवान काफ़ी आक्रोशित हैं। बता दें कि रांची सदर अस्पताल, रिम्स सहित राज्य के कई संस्थानों में होमगार्ड सुरक्षा का दायित्व संभालते रहे हैं। हर अनजान आदमी चोर नहीं, कानून हाथ में लेने वालों की खैर नहीं, रांची पुलिस। मॉब लिंचिंग को लेकर आम लोगों को जागरूकता पैदा करने को लेकर रांची पुलिस ने एक ऑडियो क्लिप जारी किया है। बता दें, इस ऑडियो क्लिप के जरिए रांची पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है। ऑडियो क्लिप के जरिए कानून की जानकारी देते हुए बताया गया है कि कानून कतई हाथ में न ले। ऑडियो क्लिप में कहा गया है कि हर अनजान आदमी चोर नहीं, कानून हाथ में लेने वालों की खैर नहीं,
रांची पुलिस की ओर से जारी ऑडियो में रांची के विकास और सभ्यता का भी जिक्र किया गया है। मधुपुर उपचुनाव में गंगा नारायण बीजेपी उम्मीदवार। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की मधुपुर सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बता दें आजू छोड़कर भाजपा में शामिल हुए गंगा नारायण सिंह को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं मंत्री हफीजुल हसन झामुमो प्रत्याशी होंगे। झारखंड में 278 नए केस मिले हैं, जो रांची से 170, बोकारो 11, देवघर 5, धनबाद 12, दुमका 11, पूर्वी सिंहभूम 22, गोड्डा 3, गुमला 6, हजारीबाग 1, जामताड़ा 1, कोडरमा 3, लोहरदगा 2, पाकुड़ 1, रामगढ़ 11, साहिबगंज 10, सरायकेला 7, पश्चिमी सिंहभूम से 2 मरीज मिले हैं। झारखंड में कुल मौत की संख्या 1100 है, वहीं एक्टिव केस की संख्या 1175 है। भारत में 59,069 नए केस मिले हैं। भारत में कुल मौत की संख्या 160,983 है, वहीं भारत में एक्टिव केस की संख्या 417,813 है। ऑनर किलिंग में लड़की के माँ बाप और चाचा चाची को फांसी की सजा। कोडरमा में युवती की ऑनर किलिंग के मामले में उसके माता पिता और चाचा चाची को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रामाशंकर सिंह की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। बता दें मामला दूसरी जाति के युवक से प्रेम प्रसंग में युवती की हत्या का है। इसी महीने 15 मार्च को सुनवाई में अदालत ने सभी को हत्या और साक्ष्य छुपाने का दोषी पाया था। वारदात के बाद से ही चारों दोषी जेल में हैं। बंगाल चुनाव में ममता को आदिवासी धर्म कोड के जरिए जीत दिलाएंगे हेमंत सोरेन। झारखंड सीमा से लगे अनेक विधानसभा क्षेत्र हैं। बता दें यहाँ भीतरी इलाकों में भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ आदिवासी हैं। झामुमो की पहचान ही आदिवासियों को लेकर है। हाल में जब जनगणना के कॉलम में सरना आदिवासी धर्म कोड को स्थान देने के मामले में हेमंत सोरेन ने नेतृत्व किया तो देश के आदिवासियों के बीच उनकी पहचान बनी। बता दें ममता ने इसी को लेकर बंगाल में आदिवासियों पर हेमंत के प्रभाव को बंगाल में लाना चाहती है। 11वीं सब जूनियर नेशनल पुरुष हॉकी में झारखंड ने हरियाणा को हराकर चैंपियन बना। महिला टीम को मिली हार का बदला पुरुष टीम ने लिया। बता दें एक सप्ताह के अंदर हरियाणा की धरती पर झारखंड पुरुष टीम ने हरियाणा को राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता में पराजित कर झारखंड की टीम ने सोना जीतकर इतिहास रचा दिया। बता दें 17 से 25 मार्च तक हरियाणा के जींद में आयोजित 11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय पुरुष सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता 2021 में हॉकी झारखंड की टीम ने हॉकी हरियाणा को फाइनल में पेनाल्टी शूट में 3-1 से पराजित कर सोना जीता है। मंत्री रामेश्वर 3 दिवसीय दौरे पर असम रवाना। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव एवं उनके साथ प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे चुनाव प्रचार के लिए गुरुवार को 3 दिवसीय दौरे पर असम गए। बता दें रामेश्वर उरांव अपने स्टार कैंपेनर के तौर पर पार्टी हाईकमान के निर्देश पर असम गए। इसके पूर्व उन्होंने बंगाल में भी पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार किया है। उरांव असम के सिलचर कछार करीमनगर इलाके में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इस बार बंगाल में बदलाव तय, बन्ना गुप्ता। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपने 1 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को पुरुलिया पहुंचे। बता दें पुरुलिया में अंतिम दिन के चुनाव प्रचार के दौरान जयपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ उम्मीदवार फनी भूषण कुमार की महत्वपूर्ण बैठक में बूथ मैनेजमेंट सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर रणनीति तैयार की। इस अवसर पर उन्होंने जयपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाकर उनके जीत के लिए वोट मांगा। उन्होंने कहा कि इस बार बंगाल में बदलाव तय है। पुरुलिया के सभी सीट पर जनता कांग्रेस गठबंधन उम्मीदवार को विजयी बनाएगी। चाईबासा जेल ब्रेक मामले में फरार नक्सली ने उड़ीसा में किया सरेंडर। वर्ष 2014 में चाईबासा जेल ब्रेक का आरोपी नक्सली गोइंदा गगराई उर्फ रणवीर पात्रो उर्फ बन्ने उर्फ सोमाय पात्रों ने झारखंड सीआईडी के समक्ष सरेंडर किया। बता दें गोइंदा ने बुधवार को उड़ीसा में सरेंडर किया है। पाकुड़ में कोई भी व्यक्ति निरक्षर नहीं रहेगा, उपायुक्त। पाकुड़ जिले में कोई भी व्यक्ति निरक्षर नहीं रहेगा। बता दें भारत सरकार के पढ़ना लिखना अभियान के तहत 15 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को साक्षर बनाया जाएगा। पाकुड़ जिले में भी यह अभियान शुरू होगा। बता दें जानकारी उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने गुरुवार को अपने कार्यालय कक्ष में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में साझा की।
उपायुक्त ने कहा कि जो व्यक्ति शिक्षा से वंचित है, चाहे वे युवा हो या वृद्ध, उन्हें साक्षर बनाना है। कोरोना से बचाव के लिए साहिबगंज में रथ लोगों को करेगा जागरूक। साहिबगंज जिले में अपनी सुरक्षा अपने हाथ अभियान के तहत गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर उपायुक्त राम निवास यादव ने रवाना किया। बता दें, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के मापदंडों को अपनाते हुए राज्य के 14,250 विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। सभी विद्यालय का संचालन सुरक्षित एवं सुचारू रूप से किए जाने व कोरोना के प्रभाव को देखते हुए अधिक से अधिक सावधानी बरतने के लिए प्रचार प्रसार के उद्देश्य से इस रथ को रवाना किया गया। होली को लेकर कोडरमा प्रशासन सतर्क, CCTV व ड्रोन कैमरे से निगरानी। होली का त्यौहार शांतिपूर्ण और सौहार्द तरीके से मनाने के लिए जिला प्रशासन ने जोरदार तैयारी की है। बता दें, पर्व में विघ्न फैलाने वालों पर CCTV कैमरे व ड्रोन से भी नज़र रखी जाएगी। SDO ने हुड़दंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बता दें, बिरसा सांस्कृतिक भवन में गुरुवार को आयोजित जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में आपसी भाईचारे के साथ COVID-19 के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए होली मनाने का निर्णय लिया। जमशेदपुर में बनेगा डबल डेकर फ्लाईओवर। झारखंड के लिए गुरुवार को एक बड़ी खुशखबरी मिली है। बता दें, लौह नगरी जमशेदपुर में डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण होगा। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो के प्रश्न के जवाब में कही। गुरुवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो के एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जमशेदपुर शहर में बढ़ते ट्रैफिक को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार डबल डेकर फ्लाईओवर निर्माण प्रस्ताव पर काम कर रही है। राज्य में पहली बार सचिव व अन्य वरीय अधिकारियों के लिए बंगला। राज्य गठन के बाद पहली बार सरकार सचिव एवं अन्य वरीय अधिकारियों के लिए बंगलों को बनाने की योजना को मूर्त रूप देने जा रही है। बता दें, इसके लिए नगर विकास विभाग ने पहल भी शुरू कर दी है। नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे के निर्देश पर जुड़कों ने भवनों के निर्माण को लेकर कार्रवाई आरंभ कर दी है। हजारीबाग के बहोरनपुर पुरातात्विक स्थल से चोरी गई भगवान बुद्ध की दो प्रतिमा बरामद होने की सूचना मिल रही है। बताया गया कि मामले में कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं। बता दें, हजारीबाग सदर प्रखंड के बहोरनपुर से 21 मार्च की रात चोरी गई भगवान बुद्ध की प्रतिमा बरामद हो गई है। चोर रांची के थे और बिहार के 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर 5 लोगों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। रांची से ही प्रतिमा बरामद हुई है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।